गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारे ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं प्याज के पकौड़े और आलू बंडा। तो ये प्याज के पकौड़े की रेसिपी मैंने मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है अनुसुईया दीदी, उनसे सीखी है। तो इसमें क्या है, प्याज काटते हैं और ऊपर से बेसन डाल के और मसाले डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो इससे बेसन का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा कम आता। नहीं तो मैं पहले बनाती थी इस तरीके से कि बेसन को पहले घोलते थे, उसमें प्याज डालते थे, तो उसमें बेसन बेसन बहुत समझ में आता था, प्याज का फ्लेवर कम ही आता था। तो यस, अब ये हमारे पकौड़े बनके रेडी हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीलम। होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट, सेफ एंड हेल्दी एट योर प्लेसेस। सो आज है विजयादशमी और आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा नाश्ता वास्ता बढ़िया, आज हमने पकौड़े बनाए थे प्याज के और आलू बंडा। सुबह से बारिश हो रही है, हमारे यहाँ रावण की ऐसी तैसी हो गई है, सारे रावण जो है ध्वस्त हो गए हैं, खुद ही पानी में नहा नहा के, मतलब राम जी को उनको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो पहले से ही धराशाही हो गए हैं। और हमारा जो है मेला जो होना था वो भी हमारा मेला कैंसिल हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। तो देखिए सुबह से बारिश हो रही है, कुछ भी प्रोग्राम नहीं बन पा रहा, बहुत गुस्सा आ रहा है यार, ऐसा कैसे हो गया। बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी लग गई है जॉब। यस, तो मैं पहले जॉब करती थी बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो जॉब से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। फिर मेरा बेटा, आई गॉट प्रेग्नेंट, तो अभी अर्जुन भी मतलब हो गया है, 2-2.5 साल का हो गया है, तो थोड़ा रह सकता है मेरे बिना। तो फिर से ज्वाइन करूँगी मैं और अब मेरी ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंडे से ही है। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, थोड़ा सा डर भी, थोड़ा नहीं बहुत 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 सारा डर भी लग रहा है। हालाँकि मेरी फैमिली सो सपोर्टिव, मेरे मालिक यहीं बैठे हैं देखिए उनकी खांसने की आवाज़ आपको सुनाई दे गई है, वो कैमरे में आना कम पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने अब खांस के आपको बता दिया कि ही इज़ हियर ओनली। हाँ, तो बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली पूरी, तो इसलिए मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। और मालिक आज बहुत खुश होंगे, है ना मालिक, आप तो खुश होंगे कि आपको जाना नहीं पड़ेगा। वो आज चलेंगे, मैं पूरे दिखाती हूँ। ये मेरा आदमी मुंह छिपाता हुआ टांगे आपकी दिख रही हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं आप अपनी टांगों को क्यों छुपाते हैं, आते ही नहीं कभी भी वीडियो में। खुश तो बहुत हो गए आज तुम, क्यों कालिया खुश हो कालिया मालिक। तो मैं हो गई हूँ रेडी मेला देखने के लिए, बारिश हो रही है लेकिन हम लोग गाड़ी से जाएंगे, पहले हमारा स्कूटी से प्रोग्राम था। एंड ये बताइए आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। चलो नहीं समझ आया की पास। कि फिर से बोलिए, बजरंगी के पास। बजरंगी के पास, बजरंगी कौन है? बजरंगी तो बजरंगी कौन है? उधर चांद में है, चांद में दीपक। दीपक कौन है? दीपक जाएगा। दीपक है कौन? मामा होता है। तो मामा होता है दीपक, तो उसका नाम कौन लेता है भाई? अंदर तो नहीं भीड़ है मेरे को लग रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ? नहीं, मतलब अंदर नहीं कोई जा रहा है। अच्छा, मामा होता है तो मामा का नाम लेते हैं, हैं? क्यों गुप्पू, मामा का नाम लेते हैं? मामा बोलते फेस्टिवल टाइम पे गाड़ी से जाने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है ये रश, मतलब बहुत जाम लगता है, इसलिए मैं स्कूटी से जाना पसंद करती हूँ। बारिश हो रही फिर भी बहुत भीड़ थी, मतलब लोग निकल रहे थे, हालांकि मेला नहीं देख पा रहे होंगे पर खाने पीने के लिए सब लोग निकल रहे थे। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सब लोग इसीलिए शायद जाते हैं, और हम लोग भी सिर्फ खाने पीने के मोटिव से ही गए थे कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अदरवाइज मेला तो नहीं मिलना था, ये तो सबको ही पता था। मोती झील यहाँ पे कानपुर का सबसे बड़ा मेला लगता था बट बारिश ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मतलब एकदम ठंडा पड़ा है, कुछ भी नहीं चल रहा, बहुत कीचड़ हो रखी है और बारिश अभी भी हो रही है।
अर्जुन मेला तो नहीं है, कहाँ आएगा? अब नहीं आएगा मेला, अब नहीं आएगा मेला, रावण नहीं मिलेगा देखने को। हाँ तो हम लोग यहीं पे जाने वाले हैं, यहीं पे खाएंगे। हाँ यहीं चल लेते, जगह भी है, चल सकते हैं। गाड़ी में यही तो दिक्कत है पार्किंग वार्किंग के लिए। गोपू चलते हैं और क्या, हम लोग यहाँ पे नहीं खाने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज जाएंगे, वहाँ से पिज्जा ही खाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ लग रही है, हर जगह ही भीड़ है, मतलब जो भी खाने वाले रेस्टोरेंट टाइप के वहाँ सब जगह भीड़ है। हाँ जी बेटा, कौन पीछे चला गया? मैं पिज्जा। पिज्जा नहीं चला नहीं गया, अभी चलेंगे ना पिज्जा खाएंगे। हाँ गोपू को पिज्जा खाना है। गोपू कहाँ जा रहे हैं यार, कहीं पहुँच ही नहीं पा रहे हम लोग। हाँ बेटू गाड़ी को रखो, गाड़ी को रखो, गाड़ी को आजा। हम लोग डोमिनोज नहीं गए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने छोले भटूरे और पनीर टिक्का खाया। अर्जुन की तबीयत नहीं ठीक थी, उसे वॉमिटिंग लग रहा था, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। हाँ आपने क्या खाया था? पनीर टिक्का किसने खाया था? कैसा लगा आपको पनीर टिक्का? अच्छा था। इधर देखो पार्किंग का क्या कहा है, पार्किंग। पार्किंग में क्या करना है? पार्किंग में क्या करना है? ये क्या आया है? ये क्या है? ये क्या है बताओ, क्या है बिट्टू? ये क्या है? क्या है? जलेबी। आपको अच्छा लगता है? हाँ। खाओगे? हेलो ओके, अभी अभी खिलाती हूँ। हमें जो खाना था वो तो खा लिया, लेकिन अब अर्जुन का काम होगा, उसके लिए कुछ टॉयज लेंगे जो उसे पसंद आएगा। वैसे वो कार के लिए बोल रहा था, देखते हैं वो क्या पसंद करता है, वही लेंगे उसके लिए। अच्छा लग रहा है अर्जुन? ऐसी वाली तो। अर्जुन कौन सी गाड़ी अच्छी है ये बताओ, ये वाली है, ये वाली, ये वाली अच्छी है अर्जुन को, ये वाली चाहिए, वही वाली, ठीक है ये वाली ले लेते हैं। क्या देख रहे हो अर्जुन? हाँ क्या देख रहा है? ऐसे हर चीज नहीं देखनी है। ना 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 नहीं छू। ये क्या है? क्या क्या लिया आपने दिखाओ मुझे, क्या क्या लिया जल्दी दिखाओ, कम ऑन शो मी, दिखाओ ऊपर, दिखाओ ऊपर करो। अरे ये दिखाओ जो लिया है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? डॉक्टर सेट। और क्या लिया है? ये कार है, इसके गेट खुलते हैं, बढ़िया मेटेलिक कार है ना अर्जुन, यू लाइक इट? कौन सी कार है ये? मर्सिडीज है, मर्सिडीज है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार मेला एकदम सन्नाटे वाला है, बारिश ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है ना मालिक, पर हम लोग को मजा आया, हम लोगों ने तो एंजॉय किया है और बहुत अच्छी जगह खाने भी गए थे, तो वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिला, अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब बस हम लोग जा रहे हैं हमारे घर, पहुँचने ही वाले हैं घर पे, पापा हम लोग का इंतजार कर रहे होंगे। हाय गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं मेले से, एंड मेले में तो गए नहीं, रावण भी नहीं देखा, लेकिन हाँ थोड़ा सा खाया पिया। अर्जुन ने कई टॉयज लिए हैं, एक बलून भी लिया था, अब बेचारा वो बलून घर के अंदर भी नहीं आ पाया, बस मेरे हस्बैंड लेके आ रहे थे, वो इतनी देर में फूट गया है। तो अर्जुन बार बार पूछ तो रहा है बलून मेरा कहाँ है, बलून कहाँ है, और सिर्फ उसकी ये स्टिक बची है। पापा के खाने का टाइम हो गया है, अभी उनका खाना बनाना है, तो दाल में बना के गई थी, तो दाल है और आलू उबले हुए थे, तो मैंने सोचा था कि आके सब्जी बना दूंगी, और आटा लगा के गई थी, तो बस जल्दी से जाती हूँ, पापा को खाना खिलाती हूँ,
सो दैट्स ऑल, यही था आज का हमारा ब्लॉग, मतलब अच्छा था, बढ़िया था, हम लोगों ने तो इन्जॉय किया, खाना बहुत अच्छा खाया। मीन जहाँ से भी हम लोगों ने वो सरदार जी छोले कुलचे वाले खाए, उनके ऐसे मैंने तो पहली बार ही खाया था, तो वो उनके जो छोले भटूरे थे तो वो स्टफ्ड थे, पनीर स्टफ थे और बहुत टेस्टी थे। पनीर टिक्का भी खाया, बट अर्जुन की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हुई, बार बार बोल रहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर हम लोग जल्दी वहाँ से निकल आए। एंड या दिस वॉज इट, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा था देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। वाजी वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये किसका है भाई, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ, ये क्या है, बाल काटने की है, ये बाल काटने की है।